हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट टू पर आ गए हैं ए लाइन फ्रॉक पैटर्न के। पार्ट वन में हमने आपको इसका बॉर्डर बना के दिखाया था, पार्ट टू में हम इसके नीचे का फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये एक ए लाइन फ्रॉक है जिसमें 100 फंदे डाले गए हैं। अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। इसका बॉर्डर हमने पार्ट ए में 25 फंदों पर बनाया था, अब इन्हीं 25 फंदों पर हम मेन डिज़ाइन बनाएंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इस सिलाई में शुरू के 12 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 12 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके हम जाली डालेंगे और 12 फंदे सीधे बुन देंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, जैसा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी सुना, ये ए लाइन फ्रॉक पैटर्न है, तो हमने पहली सिलाई में 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा स्किप कर देंगे, बाकी की पूरी सिलाई हम प्लेन उल्टी बुनेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का पहला फंदा स्किप करेंगे, उसके बाद 12 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से 12 फंदे सीधे बुनने के बाद जाली आ गई, तो ऊन आगे लाके जाली के ऊपर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनते हुए बढ़ा देंगे। इसके बाद 3 फंदे और बीच में डिज़ाइन के सीधे बुन देंगे। इसके बाद जाली डाल के वापस फंदा बढ़ाएंगे और बाकी के बचे हुए फंदों को प्लेन सीधा बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी तीसरी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा स्किप करेंगे और 12 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 12 फंदे सीधे हो गए। इसके बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फंदा बढ़ाएंगे और बीच के 5 फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हम वापस जाली डालेंगे और बाकी के बचे हुए सारे फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पांचवी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद छठी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और अब ध्यान दीजिए हम 10 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। अब तक हम 12-12 बुनते आ रहे थे, इस सिलाई में हमें 10 फंदे प्लेन सीधे बुनने होंगे। और इस तरह से 10 फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद हम फंदों को बंद करेंगे। फंदे बंद हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें 2 फंदों का एक फंदा करना होगा। इस तरह से हम फंदों को बंद करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। इसके बाद हम जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे बुन लेंगे।
और इस तरह से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और इस तरह से इस फंदे को उतार के पलट के चढ़ा देंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी 7वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। 7वीं सिलाई में एक बात का ध्यान दें, हमने फंदों को बंद करते हुए जाली डाली है। इसके बाद 8वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा स्किप करेंगे, उसके बाद 9 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 9 फंदे सीधे बुनने के बाद जो बाकी के 2 फंदे हैं यानी कि 10वां और 11वां फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, हमने शुरू के 6 लाइनों में फंदे बंद नहीं करे, लेकिन 7वीं सिलाई से हम फंदे बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 फंदा करा। अब ऊन आगे ला के जाली डाल देंगे और इसके बाद 9 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे 9 फंदे सीधे बुन लिए। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे ला के जाली डालेंगे और ध्यान दीजिए, हमें इस फंदे को ट्विस्ट करते हुए 2 का 1 करना होगा। ट्विस्ट करने के लिए हमने इसको सिलाई पर से इस तरह से उतारा और 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर दिया। ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हमारे फली का मुँह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाए। और इसके बाद 9वीं सिलाई में बाकी जितने भी बचे हुए फंदे हैं वो हम प्लेन सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई भी ओवर होती है। 10वीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा स्किप कर देंगे, उसके बाद 8 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 11 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से 11 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट के चढ़ा देंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इसके बाद 8 फंदे हम प्लेन सीधे बुन देंगे और यहाँ पे हमारी 11वीं सिलाई ओवर होती है। इसके बाद 12वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और 12 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। 12 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। ये डिज़ाइन ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कम्प्लीट करना होगा। तो यहीं पर हमारा आज का ट्यूटोरियल ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।